मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फिटिंग पैंट कटिंग करना बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पहले फ्रंट पार्ट कटिंग करना बताऊंगा और दूसरी वीडियो में आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें दो ये वीडियो होने वाली है और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वो 39 इंची है, कमर है वो 29 इंची है, हिप हैं वो 34 इंची है और जांग है वो 21 इंची है और उसका घुटना है वो है 16 इंची है और मोरी है उसकी 13 इंची है। इस नाप से हम कटिंग करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी लटक कैसे निकालते हैं, साइड में खोलता क्यों है, इसकी बैक कितनी उठाएं, सभी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा करके और किनार साइड अपनी तरफ रख लेंगे और यहाँ पर हम एक सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हमारी लंबाई है पैंट की वो 39 इंची है, तो इसमें हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाते हैं, तो हम 1 इंची ऊपर निकाल लेंगे और ये हमारी लंबाई हो गई टोटल 39 इंची। और नीचे इसमें सिलाई करेंगे तो हम 2.5 इंची ले लेंगे। एक निशान आगे और लगा लेते हैं 39 और ये 2.5 इंची। उसके बाद में इसकी लटक रखेंगे, तो लटक स्केल से कैसे निकालेंगे देखो आपको मैं बता देता हूँ। 34 इसकी हिप है, 34 का आधा करेंगे तो 17 इंची आएगा, ये 17 इंची है, इसमें हम 6 इंची प्लस करेंगे तो ये आ रहा है लगभग ये 17.5 आ रहा है। तो ये 17 इस साइड से देखेंगे, ये 17 और ये 17 और ये लगभग इस साइड में देखेंगे ये 17, तो ये आएगा 9.5 के लगभग आएगा, इसकी जो इसकी लटक रखेंगे वो 9.5 इंची इसकी लटक रखेंगे। आप 8.5 इंची भी रख सकते हो, यानी कि चौथा हिस्सा करेंगे इसका, तो 8.5 इंची या 9.5 इंची आप रख लेना। तो मैं यहाँ से 8.5 इंची इसकी रख लेता हूँ, वैसे चौथा हिस्सा करके भी निकालते हैं लेकिन आपको मैं स्केल से 9.5 बैठता है इसका, तो इसमें हम 2 सूत कमी कर लेंगे क्योंकि आजकल के लोग हैं वो नीचे ही पहनते हैं, ऊपर नहीं पहनते हैं, सरका के पहनते हैं नीचे, तो हम इसमें 2 सूत कमी कर लेते हैं। इस तरीके से ये मैंने आसन का निशान लगा दिया है, जो लटक का निशान लगा दिया है। अब इसकी जांग मैंने नापी थी वो 21 इंची थी, तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो यदि आपको नहीं निकालना आता है तो, यानी कि ये 34 है, तो 34 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5 इंची आता है, तो 8.5 इंची हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से, किनार को छोड़ देंगे और ये 8.5 इंची, 34 का चौथा हिस्सा 8.5 हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर 1/2 इंची सिलाई मार्जिन ले लेंगे और उसके बाद में हम ये 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमने जो जांग ली थी वो 21 ली थी और ये बैठ रहा है यहाँ से 10.5 के लगभग बैठ रहा है, तो यहाँ पर हम शेप लगाएंगे तो हमारी जो 10.5 होना चाहिए तो ये 10.5 यहाँ पर ये आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर शेप लगा देंगे ताकि जेब में फुल आउट ना आए। तो आप इस तरीके से 1/2 इंची सिलाई मार्जिन रख के पैंट चाहे कैसी भी हो हिप का 1/4 कर लेना, उसके बाद में ये सिलाई मार्जिन और ये 1.5 इंची एक्स्ट्रा रख लेना, ठीक। और बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ से हम ये शेप लगा लेते हैं, यहाँ से ये शेप लगा लेते हैं इस तरीके से, ये हमने शेप लगा दी है, जरूरी है शेप लगाना फिटिंग पैंट में। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन रख देंगे, कमर इसकी 29 इंची है, चौथा हिस्सा करेंगे तो
कितना आएगा, 7.25 इंची, और ये दो सूत यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन रख लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे, ये हमने मिला लिया है, और यहाँ पर दे देनी है गोलाई। तो गोलाई ये हम इस तरीके से, ये हमने गोलाई लगा दी है इस तरीके से, ठीक। और इसको डाउन करना है आधा इंची, आधा इंची इसको डाउन करना है, और यहां से इसको मिला लेना इस तरीके से, ठीक। ये हमने मिला लिया। साइड की जेब है इसमें, तो हम यहाँ पर 2.25 इंची की निशान लगा लेंगे, और लंबाई ले लेंगे इसकी 7.5 लंबाई ले लेंगे। ये हमने 7.5 लंबाई ले ली है, और यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमारी 1.5 इंची तक तो हमारी ये सिलाई आ जाएगी यहाँ तक, और इसका खुला मुंह रह जाएगा लगभग 6 इंची, इसका खुला मुंह रह जाएगा, ठीक। तो अब नीचे से हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये हमारी लंबाई का था, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से। अब इसका घुटने के लिए क्या करेंगे कि हमारी जितनी लंबाई है, ये लंबाई है 38 इंची लंबाई है इसकी टोटल, तो 38 का आधा करेंगे, तो 2×38 1×19, उसके बाद में हम 1.5 इंची नीचे ले जाएंगे, ये हमारा घुटने का मार्क आ जाएगा, ये आ रहा है 12 इंची। और दूसरा तरीका भी है, आपको मैं बता देता हूँ, ये आ रहा है यहाँ से, जो हमारी जो लटक लिया था हमने, यहाँ से लेके लंबाई का इसका आधा कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ये आधा कर लिया है। उसके बाद में यहाँ से 2.5 इंची, 2.5 इंची ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये हमने नापा था 12 इंची, और ये भी आ रहा है 12 इंची। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, आपको मैं दोनों तरीका बता दिया हूँ। पहला तरीका तो ये है कि हमारी जितनी लंबाई है उसका आधा कर लेंगे, ये हमने आधा कर लिया, ठीक, ये निशान आ गया। उसके बाद में हम इसमें 1.5 इंची प्लस कर लेंगे, यानी कि नीचे की साइड में ये इस तरीके से लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12 इंची। और दूसरा तरीका है, हमारी ये लंबाई है इसमें से, ये यहाँ से, और यहाँ से इसको आधा कर लेंगे, आधा करने के बाद में 2.5 इंची ऊपर कर लेंगे, 2.5 इंची ऊपर कर लेंगे, तो ये भी हमारी 12 इंची आ जाएगा इस तरीके से। यदि पैंट की लंबाई ज़्यादा हो, यानी 40 से ज़्यादा हो, तो आप इसको 3 इंची ऊपर कर सकते हो, ठीक, यही है इसका तरीका। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये हमने इसको सीधा कर लिया है, ये हमारा घुटने का मार्क आ गया है। अब हम इसका बीच का सेंटर निकालते हैं, तो बीच का सेंटर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे, और ये 10.5 इंची है यहाँ से, यहाँ से इस तरीके से ये बीच का सेंटर आ जाएगा। टोटल ना आपके देखेंगे ये किनार से 6.5 इंची आ रहा है, तो 6.5 इंची हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ से इंची टेप रखेंगे, और यहाँ पर भी हम एक बीच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, ये हमने इसको सीधा कर दिया है, इस तरीके से हमने ये सीधा कर दिया है। अब इसकी घुटने का भी निकालने का तरीका है, आपको मैं वो भी बता देता हूँ, घुटना हम कैसे निकालें यदि हम जांग, यानी कि घुटने का मार्का नहीं लेते हैं, नाप नहीं लेते हैं। आपको मैं जांग का तो बता ही दिया हूँ, अब घुटने का भी बता देता हूँ, हिप के अनुसार कैसे निकालेंगे घुटने। तो हमारी जो हिप है वो 34 इंची है, तो 34 का हम 34 का आधा करेंगे तो 17 इंची आएगा, तो 17 आएगा, तो इसमें हम 1 इंची माइनस कर लेंगे। ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप इसमें 1.5 इंची माइनस कर सकते हो, ठीक।
फिटिंग चाहिए तो आप इसमें 1 इंच माइनस कर लेना, और ज्यादा फिटिंग चाहिए तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच माइनस कर लेना 17 में से, यानी कि हिप हो उसका आधा कर लेना। आधा करने के बाद में यदि आपको ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए तो 1 इंची, और यदि आपको फिटिंग चाहिए तो 1.5 इंची उसमें माइनस कर लेना है 17 में से। और यदि आपको जो पैंट होती है प्लेट वाली पैंट होती है, जो सादा पैंट होती है उसमें प्लेट डालते हैं, दो दो प्लेट डालते हैं, उसके लिए आप क्या करना कि हमारी हिप है उसका आधा ही रख देना, यानी कि 17 इंची रख देना। तो 17 इंची तो ये प्लेट वाली पैंट में आ जाएगा, और 16 इंची आ जाएगा ये मीडियम फिटिंग में आ जाएगा, और 15.5 इंची आ जाएगा ये फुल फिटिंग में आ जाएगा। फुल फिटिंग में जो हम इसमें क्या करेंगे कि यानी कि सादा में तो हम हिप का आधा कर लेंगे, मीडियम फिटिंग में हम 1 इंची माइनस कर लेंगे जो हमने आधा किया था उसमें से, और फिटिंग पैंट में ज़्यादा ही फिटिंग मांग रहा है तो उसमें हम 1.5 इंची माइनस कर लेंगे। ठीक, तो हम इसको यहाँ पर मैंने नापा था तो 16 इंची था, ऐसे मिला के देख लेंगे तो ये 16 इंची आ जाएगा। तो 16 का हम यहाँ से आधा करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का भी आधा यहाँ रख देंगे 4 इंची, और 4 इंची ये रख देंगे, टोटल ये लगा देंगे 8 इंची। ठीक, अब बात होती है मोरी की। मोरी तो क्या होता है कि जब हम नाप लेते हैं तो उसको पूछते हैं कि आपको कितनी मोरी चाहिए, तो मोरी उसने कहा था कि 13 इंची इसकी मोरी चाहिए, तो 13 का आधा करेंगे तो 6.5, और 6.5 का भी आधा करेंगे तो 3.25 इंची, तो 3.25 इंची यहाँ रख देंगे 20 सेंटर में से, और 3.25 इंची ऐसे। देखो आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 13 इंची है, इसका आधा करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 6.5 इंची, 6.5 का भी आधा यहाँ रखेंगे इस तरीके से, यानी कि आपको 4 हिस्सा करना है तो 3.25 इंची, ये 3.25 इंची यहाँ से लगा देंगे, और 3.25 इंची यहाँ से लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम मिला लेंगे इस तरीके से, जो हमने घुटनी का मार्क किया है ये इस तरीके से मिला लेंगे, और यहाँ से भी इस तरीके से मिला लेंगे, ये हमने इसको मिला लिया है, और इसको कर देना है क्रॉस इस तरीके से, दो दो सूत क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेफ अंटी लेनी है, और यहाँ से हम इस तरीके से मिला लेंगे इसको, यहाँ से मिला लेंगे और इसको यहाँ से मिला लेंगे, इसमें इस तरीके से मिला लेंगे, यहाँ से अच्छे से इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमारी जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कटिंग, और अगली वीडियो में आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।